नीट और यूजीसी नेट, इन दोनों परीक्षाओं को लेकर बवाल मच रखा है पूरे देश में। इस बीच सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया। अब आपको बता देते हैं कि इस कानून को इसी साल फरवरी में पारित किया गया था। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। नए कानून में परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों को 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, साथ ही 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे का मकसद बड़ी सार्वजनिक परीक्षाएं जिनमें पारदर्शिता बनाए रखना है, साथ ही परीक्षार्थी इसके लिए आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। इस मामले से जुड़ी हुई एनटीए ने एक और परीक्षा रद्द कर दी है। एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट का पेपर रद्द कर दिया है। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें 25 जून को ये परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। अब एनटीए की तरफ से कहा गया है कि लॉजिस्टिक दिक्कतों की वजह से परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। तो संसाधनों की कमी का हवाला दिया गया है और इसी वजह से 25 से 27 जून को जो परीक्षा होनी थी बेहद महत्वपूर्ण, वो परीक्षाएं भी अब रद्द कर दी गई है। पूरे देश में इस समय ना सिर्फ बिहार बल्कि मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में ही नीट की परीक्षा पेपर लीक को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उसमें अपडेट सामने आ रहे हैं। अब इस बीच सीएसआईआर यूजीसी नेट का पेपर रद्द कर दिया गया है। तो देश भर में इस वक्त नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द किए जाने का बवाल पूरे देश में है। देश के कई राज्यों में इस मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है। इस सब हंगामे के बीच में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट पेपर भी रद्द कर दिया है, जो जानकारी हम आपको दे चुके हैं। इन सबके बीच में एक चौंकाने वाला पर्दाफाश भी हुआ है। जानकारी के मुताबिक यूजीसी नेट का लीक पेपर सोशल मीडिया पर मौजूद था। टेलीग्राम की एक ऐप पर यह पेपर उपलब्ध था। इसका पता चलते ही टेलीग्राम ऐप के उन चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया है जिनसे पेपर शेयर किए गए हैं। इस बात की पुष्टि टेलीग्राम की तरफ से ही की गई है।